राधे राधे जय श्री कृष्ण दोस्तों। ये मोरपंखी वाली ड्रेस का हम चलिए कैप बनाते हैं। आइए इसका कैप बनाते हैं। और आप मेरे लड्डू बाबू चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और कैप बनाते हैं, हमने सर्कल लिया, इसमें दो चैन की, इसे धागे खींच दीजिए, थोड़ा सर्कल लिया इसमें दो चैन, इसके अंदर हमें सर्कल के अंदर यहाँ इसके अंदर हमें 10 हाफ क्रोशिया करने हैं, 10 हाफ डबल क्रोशिया करने। देखिए एक ऐसे करके, दो तीन एक साथ ले लेने धागे, ऐसे करके ऐसे, और इसके अंदर ऐसे, और ये तीनों एक साथ निकाल दीजिए ऐसे। तो ऐसे करके हमें 10 हाफ डबल क्रोशिए इस सर्कल के अंदर ले लेने हैं। देखिए हमारे 11 हाफ डबल क्रोशिए हो गए हैं, तो चैन ये वाली दो की और 10 हाफ डबल क्रोशिया। अब इसे धागे खींच दीजिए ऐसे, तो ये सर्कल बन जाएगा। देखिए ऐसे खींच दीजिए इसे। अब हमें इसे स्लिप स्टिच करना है, जो हमने चैन ली थी ना दो की शुरू में, तो इसके अंदर हमें इसे स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर देना है। देखिए ऐसे ऐसे। अब हमें फिर शुरू में दो की चैन लेनी है ऐसे। दो की चैन लेने के बाद अब हमें दो दो हाफ, इसमें जब हम दो की चैन ले लेंगे तो हमारे पास एक दो की चैन हो गई, और फिर अगली चैन में हमें ये रे, अगली चैन में हमें ये 2 हाफ डबल क्रोशिया करने हैं, एक और एसी में एक और दो। तो एक हमारी चैन हो गई तीन की, एक हमारी तीन की चैन हो गई, और एक चैन में हमने दो हाफ डबल क्रोशिया किए। अब अगली चैन में हमें 1 हाफ डबल क्रोशिया करना है, ये रहा अगली चैन में हमें 1 हाफ डबल क्रोशिया, फिर उससे अगली चैन में हमें 2 हाफ डबल क्रोशिया, दो करने हैं इसके अंदर हमें, क्योंकि इसमें हमने एक किया था, अब क्या दो करने हैं। फिर उससे अगली चैन में 1 हाफ डबल क्रोशिया। तो हमें ऐसे करके ये कंप्लीट करनी है, एक चैन में एक, एक चैन में दो, फिर एक चैन में एक, फिर एक चैन में दो, फिर एक चैन में एक, ऐसे करके हमें अपना ये राउंड कंप्लीट करना है। देखिए ये हमारी पूरा हो गया सर्कल। अभी हाँ, ये जो हमने यहाँ दो की चैन ली थी, इससे हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे, इसे यहाँ ज्वाइन कर दीजिए इसके सेकंड चैन में। हम सेकंड चैन में इसके में ज्वाइन कर दीजिए, ये रहा। अब हमें फिर हमें हर चैन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया लेना है। अब हमारी लाइन ये सिंगल क्रोशिया की थी, ये सिंगल क्रोशिया की थी, अब के हमारी लाइन डबल क्रोशिया की चलेगी। तो हमें हर चैन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया करना है। तो लाइन हमारी सिंगल की थी, अब हमारी डबल क्रोशिया की चलेगी। तो हमें हर चैन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया करना है, ये रहा। तो आप इस रो को कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताऊंगी। यार पहले यहाँ सिंगल थे, फिर यहाँ सिंगल थे, अब ये लाइन डबल क्रोशिया की चलेगी। तो अब आप हर चैन में दो दो एक एक डबल क्रोशिया कर लें। अब ये हमें तीसरी चैन, जो हमें तीन की चैन ली थी, उसमें हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे, ये रहा। अब हमें ये चैन भी इसी ऐसी करनी है, ये हमारी फोर्थ रो है, ये भी हमें ऐसी करना है। हर चैन के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया लेना है। तो हमें अपनी ये रो भी ऐसे ही करनी है। देखिए तो इसमें हमें ऐसे ही करना है, हर चैन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया ही करना है, जैसे हमने पहले किया था, ये रहा। तो हमें अपनी ये चैन, ये रो भी ऐसे ही कंप्लीट करनी है, फोर्थ रो, ये रहा। हर चैन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनेगा। तो आप इसे ऐसे ही कर लीजिए, ये रहा। मैंने
देखिए यहाँ हाफ था, यहाँ हाफ था, यहाँ डबल क्रोशिया हर चैन पे, और यहाँ भी हर चैन पे एक एक डबल क्रोशिया होगा। आप इस रो को अपनी को ऐसे ही कंप्लीट कर लीजिए। अब ये जो हमने शुरू में तीन की चैन ली थी, इसमें से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। देखिए ये हमने यहाँ ज्वाइन कर दिया है स्लिप स्टिच से। अब हम एक रो और करेंगे, इसमें दो तीन हमें डबल क्रोशिया की हो जाएंगी और दो हमारी सिंगल क्रोशिया की, तो इसमें पांच रो करनी है हमें। तो एक रो ये पांचवी रो भी हमें इसी तरह से करनी है, हर चैन में एक एक डबल क्रोशिया करना है। तो आप इस रो को भी ऐसी कंप्लीट कर लें, हर चैन में एक एक डबल क्रोशिया करना है हमें। तो इस रो को भी अपने को ऐसे ही कंप्लीट कर लें। एरा हर चैन में एरा एक एक डबल क्रोशिया। तो ऐसे ही अपनी इस रो को भी कंप्लीट कर लें आप। इसमें डबल नहीं होगा, एक ही होगा हर चैन में। इसे फिर तीन की चैन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लीजिए। अब हमने ये तीन की चैन में स्लिप स्टिच से जोड़ दिया था। अब हमें दूसरे कलर का धागा लगाना है। दूसरे कलर की ऊन लगानी है, येलो कलर। तीन की चैन ऐसे, तीन की चैन लेनी है और इसी के अंदर हमें डबल क्रोशिया करना है। जहाँ हमने ये लिया है, जहाँ हमारा ये है, इसी के अंदर एक और डबल क्रोशिया करना है हमें। देखिए इसमें हमें एक डबल क्रोशिया और एक और करना है इसमें। हर चैन में अब हमें तीन तीन डबल क्रोशिया करने हैं, क्योंकि अब हमें इसकी हैट की किनारी बनानी है अपने कैप की। तो देखिए, तो अब हमें हर चैन में तीन तीन डबल क्रोशिया करने हैं। ये रहे, तो अब हमें हर चैन में हमें तीन तीन डबल क्रोशिया करने हैं। एक, दो, दो और इसी में ही तीन। तो ऐसे करके हमें अपने ये वाला राउंड भी, सिक्स्थ राउंड जो कंप्लीट आखिरी राउंड है हमारा, इसे ऐसे कंप्लीट करना है। तो इसमें हमें हर चैन में तीन तीन। देखिए पहले हमने सिंगल क्रोशिया किए, इसके अंदर हमने 11 सिंगल क्रोशिया किए सर्कल बनाकर। फिर हमने यहाँ हर एक, जैसे एक चैन में एक सिंगल, एक चैन में दो हाफ डबल क्रोशिया, तो उसमें एक हाफ डबल क्रोशिया, दो हाफ दूसरी रो में। तीसरी में हमने हर चैन पर एक एक डबल क्रोशिया, चौथी चैन में एक एक डबल क्रोशिया हर चैन पर, पांचवी चैन में भी, पांचवी रो में भी हमने हर चैन पर एक एक डबल क्रोशिया किया। अब हमारी लास्ट रो है, इसमें हमें हर चैन में तीन तीन करने हैं, क्योंकि हमें हैट की किनारी बनानी है। तो ऐसे करके हमें हर चैन में तीन तीन डबल क्रोशिया करने हैं। लगाने के लिए छोटा सा मोर पंख बनाएंगे। तो इसमें हमें ऐसे करके तीन चैन ही बनानी है, छोटा मोर पंख है ना, तो तीन चैन बना के इसके अंदर सिंगल क्रोशिया कर देंगे हम। इसके अंदर हम चार सिंगल क्रोशिया कर देंगे ऐसे, दो तीन हो गए, तेरह। तो इसके अंदर हमने सिंगल क्रोशिया कर दिए हैं चार। तो आप बस तीन की चैन ले लें और इसमें सिंगल क्रोशिया कर दें यहाँ, क्योंकि हमें छोटे से वो बना, हमें ये कलर लगाना है अपना ब्लू। ये ना, हमें अपना ब्लू कलर लगाना है। इस धागे को ही काट देना है, लाइट ब्लू को इसे ही काट दीजिए।
देखिए उसमें हमने 9 किए थे, इसमें हमें 6 करने हैं अंदर ऐसे, इसे हमने 6 डबल क्रोशे करने हैं बस, उसमें हमने 9 किए थे तो हमें यहाँ इसमें अंदर 6 करने हैं। यानी छोटा सा हाँ तो नहीं बहुत है, 6 बहुत है क्योंकि फिर ज़्यादा छोटा भी नहीं अच्छा लगेगा। तो ये रही ये हमारी हेड जो बन गई थी, ये मैंने आपको बताया। तो बस इसके ऊपर हमें मोर का पैंसल पंख लगाना है, मोर पंखी। तो 3 हो गए, अब हमें अपना ये रहा, अब हमें येलो धागा लगाना है। देखिए इसे यहाँ लेना है इसमें, ओ हमें जैसे जैसे बड़ी मोर पंखी में किया था सब वैसे ही बनेगा, बस क्रोशिए कम हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ इसमें से ये रहा, इन सब में हमें 2-2 सिंगल क्रोशिया करने हैं। इसे ब्लू को हर चैन के अंदर 2-2 सिंगल क्रोशिया करने हैं, वो हाँ 2-2 सिंगल क्रोशिया ये रहा इस चैन के अंदर, यहाँ 1। तो इस आप ऐसी करें इस चैन इसके अंदर, तो आपको 2-2 सिंगल क्रोशिया हर चैन में कर लेने हैं। और ये हमें ऐसे करने हैं वो पहली तरह, बस ऐसे करके ही यहाँ तक ले आना, यहाँ तक ले आइए। देखिए हमने ये सारे में येलो कर लिया है उसकी तरह ही, अब हमें ग्रीन धागा लगाना है अपना, बिल्कुल वही करना है, बस इसमें क्रोशिया कम हो जाएंगे और कुछ नहीं है। ये रहा आपको ऐसे ही बनाना है ये बिल्कुल, ये रहा इसमें हमें सिंगल क्रोशिया करने हैं हर चैन में 1-1। ये रहा ग्रीन से हमें हर चैन में, और ये हमें यहाँ तक करने हैं जहाँ तक ये लाइट ब्लू कलर आ रहा है, ये लाइट ब्लू यहाँ तक इतना हाफ में करनी है हमें आधे में। तो अब आधे में ये 1-1 सिंगल क्रोशिया कर लीजिए ग्रीन इसे। देखिए ये हमने यहाँ सारे में सिंगल क्रोशिया कर लिया है 1-1। अब देखिए अब हमें अगली चैन में 2 हाफ डबल क्रोशिया करने हैं, एक चैन के अंदर ही 2 हाफ डबल क्रोशिया, फिर अगली चैन में 1 डबल क्रोशिया, फिर उससे अगली चैन में 2 डबल क्रोशिया, 2 करने हैं इसमें, फिर उससे अगली चैन में ट्रिपल क्रोशिया करने हैं हमें। देखिए 1, बस कुछ नहीं है इसमें, बस डबल क्रोशिया कम हो जाएंगे और वो भी शुरू में ही, ये यहाँ शुरू में डबल क्रोशिया कम हो जाएंगे तो ये अपना आप ही छोटा मोरपंख बन जाएगा। ये ट्रिपल क्रोशिया करने हैं हमें, ये 2 चैन में ही करने हैं बस हमें, 2 चैन में, 1 चैन में हो गए, अब दूसरी चैन में एक और एक, बस ये 2 चैन में करने हैं। बड़ी वाली में हमने 3 चैन में किए थे, ये रहा। अब हमें 3 बार धागा लेना है इसके ऊपर, 3 बार धागा लेकर देखिए ऐसे करके 2-2 करके निकाल देने, फिर 3 बार धागा लेना है इसी में ऐसे, फिर इसी के अंदर हमें ऐसे निकाल देना 2-2 करके ऐसे ऐसे ऐसे, ये 2-2 करके हमें ऐसे और ऐसे, ठीक है। अब हमें ये वाला जैसे इधर इधर हमने ऐसे करते हम बढ़ाते गए थे, अब हमें घटाते जाने हैं। तो देखिए अब हमें ट्रिपल क्रोशिया करना है 2 चैन में, ये रहा 2 चैन में हमें ट्रिपल क्रोशिया करना है ऐसे, फिर एक और इसी में रुक जाए, इसी में ही एक और, ठीक है। फिर अगली चैन में ट्रिपल क्रोशिया, 2 चैन में होंगे 2-2, ये रहा अगली चैन में
फिर एक और इसी में ही ठीक है, ये रहा। फिर हमें अगली चैन में डबल क्रोशिया दो, जैसे हम बढ़ाते गए थे अब ऐसे ही नीचे को आएंगे घटाते हो बड़ी वाली मोर पंखी की तरह। अब एक डबल क्रोशिया, अब इसमें दो थे अब अगली चैन में एक, फिर दो हाफ डबल क्रोशिया एक चैन में, एक साथ निकाल दीजिए तीनों को, फिर दो सिंगल क्रोशिया एक चैन में, एक चैन में दो सिंगल क्रोशिया। बिल्कुल ऐसे ही करना है, बस हमने ये अपने डबल क्रोशिया कम कर लिए हैं, नहीं बिल्कुल ऐसे ही बनेगी। ये रही तो हमारी मोर पंखी, ये बनकर तैयार है, छोटी ड्रेस से छोटी है।